50 बरस के अंदर ऐसी क्या तब्दीली आ गई? देखिए जानवर भी जबा किया जाता है, उसके अपने उसूल है, उसके अपने जवाबित है, उसके अपने कवायद है। पानी पिला लिया जाता है, छुरी को तेज कर लिया जाता है, गला सामने से काटा जाता है। यानी जानवर को भी जबह करने के जो उसूल जवाबित है उसका भी लिहाज नहीं दिया गया। किसके लिए? जिसका कलमा पढ़ रहा है, अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्या हो गया 50 साल में कि उसी के नवासे को, कोई फर्क नहीं है बेटी का बेटा, उसी के नवासे को कत्ल किया जा रहा है और इस कत्ल को अल्लाह की कुर्बत समझा जा रहा है। वो रीजन क्या है? सलावत पढ़ो अल्लाह। जिस पैगंबर का कलमा पढ़ रहे हैं उसी नबी के नवासे को मार भी रहे हैं और उसको अल्लाह की कुर्बत का सबब समझ रहे हैं। माशाल्लाह मुस्तकिल मजलिस से आप एक से एक उलमा से सुनते आए हैं, मेरी क्या औकात उनके सामने। आप कहेंगे अजीब अहमक आदमी हो, हमें इमाम हुसैन का वाक्य तो 50 साल बाद हुआ, हजरत अली का केस कितने दिन के बाद का है? वो तो और भी करीब है ना। जनाब फातिमा का जो है वो जो घर जलाया गया वो जनाब फातिमा घर कहाँ था? किसी गांव में, रूरल एरिया में, कहीं इंटीरियर में, हार्ट ऑफ सिटी, मरकज शहर है ना। पैगंबर के कब्र मदीन मस्जिद नबी मरकज शहर, मरकज शहर में नबी की बेटी का घर चल के क्यों? और चंद हफ्तों के अंदर। तो हुसैन वाला मामला था 50 साल के बाद का, ये अली का मामला तो 25 साल के अंदर का है, फातिमा का तो उसी महीने का केस है। ऐसा क्यों हुआ? सलावत पर मोहम्मद। इसके बारे में रसूलुल्लाह फरमा चुके हैं कि मेरे बाद एक ऐसा जमाना आने वाला है, टाइम भी नहीं बताया कि कितने दिन के बाद आने वाला है। वो पैगंबर की हदीस सुनिए, फरमाते हैं कि सयाती अला उम्मती जमान, ये इस्लामी जिंदगी गुजारने का इस्लामी तरीका या उसके ज़ेल में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रिसाले हुकूक, इसके पढ़ने के पीछे राज यही है कि जो कमी 1400 बरस पहले थी अगर वही कमी हमारे अंदर आज डेवलप हो जाएगी तो हम भी यजीदियों से कम नहीं रह पाएंगे। लिहाजा जरूरत यह है कि जो गड़बड़ वहां हुई हम अपनी आंखें खोलें और उन गड़बड़ियों से अपने आप को बचाएं। सलवात दरम क्या वजह थी? तारीख में जो चीज कभी नहीं हुई वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुई कि गला काटने के बाद लाश के ऊपर घोड़ा दौड़ाया गया। वो आदमी तो थे, कलमे पढ़ने वाले तो थे, पैगंबर ने इसकी पेशन गोई की थी। सयाती अला उम्मती ज़मान, मेरी उम्मत में ऐसा जमाना आने वाला है, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु, जिसमें कुरान सिर्फ तहरीर में रह जाएगा, लिखावट में यहां नहीं होगा, लकलकाए ज़बान होगा। वला मिनल कुरान वला मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, है सारी रवायत लेके आए, वला मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम में कुछ बाकी नहीं होगा सिवाय नाम के। उसके बाद पैगंबर का जुमला बड़ा अजीब है, फरमाते हैं युसम्मौन बिह वहुम अबअद मिन, इनको मुसलमान कहा जाएगा लेकिन यही वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा इस्लाम से दूर होंगे। समझ में आया? यानी इसका मतलब कि ये बात मुमकिन है कि हमको मुसलमान कहा जाए और हम ही इस्लाम से दूर हों। ऐसा जरूरत है ना कि हम इस्लाम को फिर से पढ़े कि वाकई इस्लाम क्या है। सलावत पर मोहम्मद। हम लोग तो बहुत आसानी से मिल गए,
इसलिए उसकी कदर भी नहीं है। ये असहाबे किराम, ये दौरे पैगंबर के लोग, इन्होंने वो मुसीबतें बर्दाश्त की हैं हम आप सोच नहीं सकते। एक सहाबी है जिनका नाम है खब्बाब इब्न अल अर्द, जिनके उसमें सीरियल इमाम अली था ना, उनके बेचारे को मार दिया गया। खब्बाब इब्न अल अर्द के कब्र पर खड़े होकर के अमीर उल मुमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने दुआ की है, रहमल्लाहु खब्बाबन, अल्लाह खब्बाब के ऊपर रहमत नाजिल करे। बताइए खब्बाब सहाबी पैगंबर, इन्होंने क्या हसीयत उठाई मक्के में। इनकी हालत ये थी कि ये नौकर थे, गुलाम थे किसी के। इनका जो मालिक था, जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो इनका जो मालिक था, अंधारों का मातम होता है, है? देखा कैसे चलते हैं, खुदा खाता में किसी की आदत नहीं कर रहा हूँ अल्लाह, लेकिन अंधारों का मातम करने वालों को देखा कैसे करते हैं, पहला पैर यहाँ, दूसरा, तीसरा, ज्यादा ज्यादा तीसरा बाहर है ना, और उस पर हम जो है बड़े तमतराक से कहते हैं कि इश्क हुसैनी में आग नहीं जलाती, कहते नहीं कहते। खब्बाब को पता है क्या किया गया है, खब्बाब के नौक मालिक ने जनाब खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन इनका कपड़ा उतार लेता था, कपड़ा उतार करके अंगारों पर हजरत खब्बाब को लिटा देता था। ये हिजरत से पहले मक्के की बात है, लिटा देता था। जब खाल जलती थी उसके बाद इनके जिस्म की चर्बी पिघल के उस आग में गिरती थी, और कर रहा साइंस में जब चर्बी गिरेगी तो आग और भड़केगी। इस तरह से उस वक्त के मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया और अपने इस्लाम पर डटे रहे, अपने इस्लाम पर कायम रहे। हम आप मुकाबला कर सकते हैं उन बुजुर्गों का। अमीर मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि ने जो तारीफ किया सलावत मोहम्मद फरमाते वलकद कुन्ना मा रसूलिल्लाह, हम दौरे पैगंबर में रसूलुल्लाह के साथ नक्तुल आबाना व अबनाना व इखवानना व अमामना, हम रसूलुल्लाह के जमाने में किताल करते थे, जिहाद करते थे, जंग करते थे। किससे? आबाना, सामने हमारा बाप होता था। अबनाना, हमारी औलाद होती थी। इख्वानना, हमारा भाई होता था। अमामना, हमारे चचा होते थे। मा यजीदुना ذلك الا ايمانا و تسليما, और ये बाप बेटा भाई चचा मुकाबले में आने के बावजूद हाथों में लफ्जिश नहीं होती थी, हाथ हमारे कांपते नहीं थे, बल्कि वमा यजीदु दालिका इल्ला ईमानन व तस्लीमा, भाई बाप बेटे से चचा से जिहाद करने के बावजूद हमारे ईमान में और पुख्तगी आती थी। ये उस दौर के लोग हैं। चुनांचे दूसरी जगह मौला फरमाते हैं हमलू अबसारहुम अला असियाफिहिम, के दौरे पैगंबर के मुजाहिदों का हाल ये था कि हमलू अबसारहुम, अपनी आंखें रख देते थे किस पर? अला असियाफिहिम, अपनी तलवारों पर। इसका मतलब कुछ समझ में आया क्या होगा? मौला का फितर हमलू अबसारहुम अला असियाफिहिम, अपनी आंखें अपनी तलवारों पर रख देते थे, मतलब बसीरत के साथ जंग होती थी। तो जब आम आदमी का ये हाल है कि बसीरत के साथ जंग कर रहा है, तो अमीरुल मोमिनीन के लिए अगर तारीख कहे कि नस्लों को देख करके जंग करते थे, तो कौन सा ताज्जुब की बात है? सलावत है। कुछ दिनों के बाद 50 बरस के अंदर अंदर सन 61 हिजरी में आकर के
उसी पैगंबर के बेटी के बेटे को फासला नहीं है, उसी नबी के बेटी के बेटे को मार दिया जा रहा है और जानवर से बदतर हालत में मारा जा रहा है। हम अस्तर मेरी बात को समझने की कोशिश की, हम कहते हैं हुसैन इमाम नहीं है, हम कहते हैं हुसैन मासूम नहीं है, हम कहते हैं कि हुसैन अल्लाह के बरगुजीदा नहीं है, हुसैन कुछ नहीं है, नबी के नवासे तो है ना, तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा तो है ना, कुछ नहीं है हुसैन के अंदर, कोई फजीलत नहीं है। आज के दौर में अगर हमको किसी से लगाव है तो उसकी औलाद की हजार बातें आदमी आंख बंद कर लेता है, अरे फला का लड़का, फितरी बात है। चाहे कि हुसैन मासूम है, हुसैन वो जिसके लिए पैगंबर ने सजदे को तूल दिया, हुसैन वो जिसके लिए रसूलुल्लाह ने खुतबे को मुनकता किया, हुसैन वो जिसके लिए पैगंबर मिंबर से उतर के जाके लेके आए, उस हुसैन को मार दिया गया, मारने ही तक नहीं है। बात है शहादत, लाश पर घोड़े तो कोई भी अक्लमंद आदमी सोचने पर मजबूर है, क्या चक्कर है इसके पीछे। और जो बेचारा बाहर का है ना, उसकी समझ में बात नहीं आएगी। सुना होगा आपने, रोम का एक सफीर आया था, कहां यजीद के दरबार में ना, और जब पैगंबर की बहुओं को नवासियों को इस तरह से ले जाया गया कि एक रस्सी में सबके बाजू और गले बंधे हुए थे, उसने पूछ लिया कि कौन लोग हैं जिनको तुमने मारा है या जिन पर तुमने फतह पाई है। मतलब ये था कि मैं जाऊंगा वापस अपने रोम में तो आपकी जो है वो बड़ाई बयान करूंगा कि साहब क्या बहादुरी और क्या शुजात है, ये है कौन लोग जिनको मारा है। तो वो तो बेचारा बाहर का था, उसके जहन में ये भाई नबी नबी है, उसकी औलाद काबिले एहतराम है। यजीद ने कहा कि हुसैन इब्न अली इब्न फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, वो हक्का बक्का क्या हुसैन तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा है। मैं आज ईसा के जो है वो इतनी नस्लें गुजर जाने के बावजूद हम उनके गधे का एहतराम करते हैं, उसकी खुर रखी है फला जगह, हम उसका एहतराम, और तुमने भी अपने नबी की बेटी के बेटे को मार डाला। फबेसल कौम अंतुम, कितनी खराब कौम तुम्हारी है कि आपने जिसका कलमा पढ़ते उसके नवासे को मार दिया तुमने। कुछ जिसका दिल साफ है उसकी बात अजीब सी लगेगी, पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो एक तो यह कि रसूलुल्लाह ने पेशेंगोई कर दी थी, क्या एक ऐसा जमाना आने वाला है कि जिसमें कुरान सिर्फ तहरीर में होगा, इस्लाम नाम का होगा, इनको मुसलमान कहा जाएगा, वहुम अबअदु मिन, और सबसे ज्यादा दूर इस्लाम से यही होंगे। इसकी ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब इमाम हुसैन के फितरे से सलवात कर तिलावत की थी हजरत सैयद शोदा की जुमला, और इसी पर चलती रहेगी बात। इमाम फरमाते हैं अन्नास अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। अभी इमाम हुसैन का फितरा क्या, अन्नास अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। व दीन लाइकुन अला अलसिनति, और दीन सुना बहुत है इसलिए मैं समझाना चाहता हूं इसका असल मतलब क्या है। लक लक जबान कह लीजिए, समझिए आप कोई कहता है लॉलीपॉप, खुद लायक के माना क्या है, उससे आप मतलब चाहे तो लफ्ज उठाए असल मफहूम समझना चाहिए। लायक कहते हैं खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो हम लोग तो जो है वो गांव के लोग हैं, बहुत चमचा वमचे की वो आदत नहीं है, तो जब आदमी हाथ से खाना खाता है तो उसकी उंगली में लग जाता है ना, जब लग जाता है तो क्या करता है, चाट लेता है। जितना खाना आपने खाया है या जितना खाना आपके सामने है उसके मुकाबले में उंगली में लगा हुआ खाना उसकी औकात क्या है, लाइफ इसको कहते हैं, उंगली में लगा हुआ फालतू है ना खाने को लगे कहते हैं, चाट लिया। इमाम फरमाते हैं कि अन्नास अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं,
वह दीन लयपुन अलाल सिनतहिम, और इनके लिए दीन बस उतना ही है जितना उंगली में खाना लग जाता है, या कह लीजिए दाल में नमक, या कह लीजिए दाल जो खाने में चटनी के तौर पर, और ये भी इतना मुख्तसर, कब तक है? जब तक इनके माश से इनकी रोजी रोटी से ना टकराए। सलावत दर मोहम्मद वा इमाम हुसैन, बड़ी बात कह रहे हैं। ये लोग दुनिया के गुलाम हैं, दीन इनके लिए उंगली में लगे हुए खाने के बराबर है, और ये मुख्तसर सा जो दीन है इनके पास ना चटनी के बराबर नमक के बराबर, वो कब तक है? जब तक इनकी दुनिया से ना टकराए, जब तक इनकी रोजी से ना टकराए, जब तक इनके माश से न टकराए। फ़ाइदा मुहसु बिल बला कल्लत तैयारून, और ज़रा सा इनको आजमाइश में डाला जाता है, ये भी जो मुख्तसर दीन है रुखसत हो जाता है। सलावत मोहम्मद, ये जो चटनी के बराबर है ना, वो भी रुखसत हो जाता है 10 रुपए के चक्कर में। यहूदून मा दरत मआयशहु, ये उस वक्त तक दीदार है जब तक इनकी रोजी रोटी चल रही है। फ़ाइदा मुहसु बिल बला कल्लत तैयारून, अब सुनिए आप कि कहां चला गया था दीन, वजह क्या हुई उसकी। तो अब जब दीन हमारे पास है नहीं, है भी कितना चटनी के तौर पर, और वो भी कब तक? जब तक हमारी रोजी रोटी से न टकराए। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना ही हल्का फुल्का दीन है तो जरा सा इशारा होगा। ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं, एक आदमी नहीं बोला गया ये बक क्या रहा, वो मेंबरों से सुनाता हूं आपको। सलावत ये नकल किया है, आपने नाम सुना होगा उनका, जनाबे इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली। इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली ने नहजुल बलागा की शरह किए 20 जिल्दों में, मुतज़िला के बुजुर्ग उलमा में शिया नहीं है लेकिन मुतज़िला के बुजुर्ग उलमा में है, जनाबे इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली। जनाबे इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली शरह नहजुल बलागा की 15वीं जिल्द के पेज नंबर 242 पर एक अजीब दास्तान लिखते हैं कि पब्लिक पहुंच कहां गई थी उस जमाने की। फरमाते खतब अल हज्जाज बिल कूफा, हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी, नाम सुना है ना, कूफे का गवर्नर भी रह चुका। खतब अल हज्जाज बिल कूफा, हज्जाज ने कूफे में एक दिन तकरीर की मिंबर पर। فذكر الذين يزورون قبل قبر رسول الله صلى الله عليه واله بالمدينه, دوران تقریر بات آ گئی ان لوگوں کی جو مدینے میں رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ کوفے میں۔ تقریر کون کر رہا ہے؟ حاکم کوفہ, کوفے کا گورنر۔ بات آ گئی کہ مدینے میں کچھ لوگ पैगंबर की कब्र मुबारक की जियारत के लिए गए हैं, जानते हज्जाज ने क्या कहा, यहां पहुंचा दिया दीनी लोगों ने। फकाल तबल्लहु, वाय हो इन लोगों के ऊपर, इन्नमा यतूफून बिआवाद, जाके लकड़ियों का चक्कर लगाते। ये उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। सलावत मोहम्मद वा तबल्लहु, ये लोग जाके चक्कर लगाते हैं लकड़ियों का। हल्ला ताफू बे कसर अमीर المؤمنین عبد الملك, अगर इनको तवाफ ही करना है तो बजाय कब्र पैगंबर के तवाफ करने का, अमीर المؤمنین عبد الملك ابن مروان, عبد الملك के कसर क्यों नहीं चले तवाफ करते जा करके। सुन लिया आपने कहां ले जा रहे। अगला जुमला उससे खतरनाक, कहता अला यालमून अन खलीफत المرء خير من رسوله, क्या इन लोगों को पता नहीं है कि खलीफा अपने रसूल से अफजल होता है। ये किसने नकल किया? हजरत इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में। समाज कहाँ चला गया है, मुआशरा कहाँ चला गया, और एक आदमी न खड़ा हुआ कूफे में कि तुम्हें शर्म नहीं आती कब्र पैगंबर की तौहीन करते हुए। सलावत पर मोहम्मद वा, चुनांचे सलावत पर मोहम्मद वा,
जनाबे नूह के सिलसिले में के उनके फर्जंद के सिलसिले में इरशाद होता है कि या नूह, जब वो कश्ती में नहीं आ रहा था, भाग रहा था, डूब रहा था, तो जनाबे नूह ने फरियाद के पालने वाले मेरा बेटा, तो अल्लाह ने उनको जवाब दिया या नूह को इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। यह आयत के नूह तुम्हारे अहल में नहीं है, उसका अमल ठीक ठाक नहीं है। झगड़ा कहां फंसा? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अब ये फंस गया हज्जाज के अमलुन पढ़ा जाए कि अमला पढ़ा जाए, पेश के साथ पढ़ा जाए कि जबर के साथ पढ़ा जाए। किसी ने कहा तारी बुलाओ, वो बताए कि इस आयत को कैसे पढ़े, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इन्नहु अमला गैरु सालिह। एक बेचारा कारी को बुलाया कि भाई चलिए आपको गवर्नर साहब बुला रहे हैं कूफे के। जब तक वो बेचारा कारी आए आए तब तक ये दरबार बर्खास्त हो गया, चलने लगे। क्या भाई कलो साहब बुलाया था इन्होंने इनको आपने, कब ठीक है जेल में डाल दो फिर देखा जाएगा। बेचारा जेल चला गया। छह महीने के बाद, तारीख है ये, छह महीने के बाद इत्तेफाक से टहलते हुए जेल की तरफ पहुंचे। आप कैसे, आप कैसे, आप कैसे भैया तुम कैसे हो? कल साहब के नूह के लड़के चक्कर में फंसे साहब। तब बेचारे की गुलो खलासी यहां तक पहुंचा दिया गया था। सलावत पर मुहम्मद जमाना देख रहे आप कितना। मैं आप लोग जो देर उनको फिर हम समझाते हैं कि हमारी गुफ्तगु होना है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो वस्सलाम के। इंशाअल्लाह कल से कि हमको इस समाज में कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है। आज मुकद्दमतन हम ये चाह रहे हैं कि अपने उस इमाम की जिसने हमको इस जीने का तरीका सिखाया है उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। उसके लिए ये मुकद्दमा था कि इमाम सज्जाद के दौर के हालात क्या थे, हालात समझ में आ गए, हज्जाज ने किस मंजिल तक पहुंचा दिया था। और सन 61 में वाकई करबला हुआ, वाकई हिर्रा जानते हैं आप लोग क्या है? सलावत पर मुहम्मद थोड़ा सा शर्म ये तब याद आ जाएगा। मदीने को ताराज किया, मदीने में कौन था? असहाब है ना। तीन दिन तक मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए है ना। यह हालत, एक शख्स है जिसका नाम है मुस्लिम इब्ने अकबा। मुस्लिम को बाद में तारीखदानों ने मुसरिफ कहा है, मुसरिफ है इसराफ से। मुस्लिम ने इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि उसका नाम ही पड़ गया मुस्लिम के बजाय क्या, मुसरिफ। अरबों का काम क्या था मालूम है? जानवर चलाना, जानवरों की परवरिश इनका मेन काम था। किसी के पास जो है ऊँट है, किसी के पास जो है वो भेड़ बकरी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 400 है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है। तो अब जाहिर बात है एक दूसरे में मिल जाएंगे जानवर, पहचाना कैसे जाएगा कि ये इनकी बकरी है, ये इनकी भेड़ है, ये इनका ऊँट है, ये इनकी गाय, कैसे पहचानेंगे? तो उस जमाने का तरीका ये था, मोहर लगती थी। क्या? जानवरों के ऊपर मोहर लगती थी। मोहर का मतलब क्या होता था कि जिसकी मोहर है ये उसका जानवर है। सुना आपने यजीदियों ने मदीने वालों को कहां पहुंचा दिया था? सलावत पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जानवरों की थाने मोहर लगती थी। अब यहां कहते हैं ये बनी उमैया के लोग मुसलमानों की गर्दनों पर मोहर लगाते थे, जैसे जानवरों पर मोहर लगती थी कि ये इनका जानवर है। कमा तू समुल खैल अलामतन लिस्तेबाद, यानी मतलब क्या कि ये हमारे नौकर है। इसी बुनियाद पर बाया मुस्लिम इब्न अकबा। मदीने वालों ने कत्ले इमाम हुसैन के बाद, शहादत इमाम हुसैन के बाद ये हुआ कि भाई ये सब हुआ कैसे, यजीद क्या बना। कुछ मदीने के बुजुर्ग गए और शाम में हालात देख के आए। आने के बाद मदीने के बुजुर्गों ने कहा कि भाई ये आदमी जो है हम लोगों पर हुकूमत करने लायक नहीं है,
ये आदमी इस्लाम का हाकिम बनने के लिए शराबी है, कबाबी है, बंदर से खेलता, सारे मदीने वालों ने यजीद की बायत तोड़ दी। उसके बदले में मुस्लिम आया फौज लेकर पूरे मदीने को ताराज किया। अब जब मदीने वालों को ताराज कर चुका तो जानते हैं फिर से बायत ली गई। पता है बायत किस नाम से ली गई? सलावत मोहम्मद वा, किस नाम से बायत ली गई? बाया मुस्लिम इब्न अकबा अहल अल मदीना काफतन, सारे मदीने वालों से मुस्लिम इब्न अकबा ने इस अंदाज से बायत ली, और जिसमें लोग कौन कौन थे? वफीहा बताया सहाबा व औलादहा, उस मदीने में बचे हुए कुछ बुजुर्ग सहाबा थे और कुछ मरहूम सहाबा की औलाद थी। वसुलहा ताबईन, और बुजुर्ग नेक ताबईन थे, उन लोगों से मुस्लिम ने जानते क्या कह के बायत ली है? अला अन्न कुल्ल मिनहुम अब्दु इन्न लअमीर المؤمنین यजीद इब्न मुआविया, कि तुम सब लोग बायत करो ये कह करके कि हम लोग जर खरीद गुलाम हैं अमीर المؤمنین यजीद इब्न मुआविया। इस कदर इहानत हुई है मदीने मुनव्वरा में सहाबा की, औलाद सहाबा की, सुलहाए ताबईन के। ऐसे माहौल में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उसी मदीने में है, सलावत मोहम्मद इस माहौल में कैसे जिंदगी गुजारी इमाम सज्जाद ने? ऐसे माहौल में रहने के बावजूद एक आदमी ऐसा नहीं है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक जुमला कह दे, एक लफ्ज कह दे। चुनांचे मैं यहाँ दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक तो ये कि इमाम सज्जाद के बारे में शिया उलमा ने क्या कहा है, और एक ये कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में बुजुर्गान अहले सुन्नत, बिरादरान अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा ने क्या फरमाया है। दोनों को मैं दो चार मिनट पढ़ जाएगी मैं कोई बात है, लेकिन मैं ये दोनों बुजुर्गों की बातें नकल करता हूँ। चुनांचे जाहिज एक आलिम है, अदीब है, बिरादरान अहले सुन्नत के बुजुर्ग उलमा में है जाहिज, और ये जाहिज जो है इमाम सज्जाद के बारे में अजब जुमला कहता, कहते हैं कि अम्मा अली इब्न हुसैन इब्न अली फलम अर अल खारिजी फी अमरिही इल्ला कशीई वलम अर अशीई इल्ला कल मुअतज़ली वलम अर अल मुअतज़ली इल्ला कल आमी वला अर अल आमी इल्ला कल खासी, कि इमाम सज्जाद के बारे में जो नजरिया जो शीयों का है वही नजरिया सुन्नियों का है, वही नजरिया हत्ता के खारिजियों का है। कोई ऐसा आदमी हमको नहीं मिला कि जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बुरा कहता नजर आए, सलावत मोहम्मद। ये जाहिज का बयान है। एक आलिम गुजरे जिनका नाम है ज़ुहरी, ज़ुहरी कहते मां रही तो करशियन अफ़ल मिन अली इब्न हुसैन, मैंने जिंदगी में किसी इंसान को करशी को इमाम सज्जाद से अफजल नहीं देखा। दूसरी जगह पर कहते मा रई तो अहदन कान अफ़क़हु मिन, इनसे बड़ा फकीह कायनात में उनके दौर में मौजूद नहीं था। अनवर साहब आप सही हैं, कितनी पुष्ट हो गई है आपके और रसूलुल्लाह की। सैयद का मतलब क्या हुआ? मैं डिक्शनरी वाला सैयद नहीं पूछ रहा, औलादे सैयद का मतलब क्या हुआ? औलादे रसूलुल्लाह जो पैगंबर की नस्ल में है। हाँ, जितने सादात हैं उनसे मैं पूछता हूँ आपके और रसूलुल्लाह के बीच कितना फासला है? है ना, एक किस्सा सुन लीजिए पहले थोड़ा सा। अब इत्तेफाक से आज ही रास्ते में पड़ गए थे जॉइन बैठे बैठे। एक बंदा खुदा था दुकानदार, वो दुकान किए हुए था, उसकी दुकान पर अगर कोई सैयद पहुंच जाता था पैसा है तो दे दिया ठीक है, और नहीं है भाई साहब उधार है दो तीन ठीक है जाओ दे दिया। एक रजिस्टर रखे था और उस पर लिखा था वो उधारी जो अली को थी, और वहाँ लिख लेता था कि साहब जो है मौला के नाम पर के इतना जो है दिया। चल रहा है मामला, अच्छा धीरे धीरे जो है जब शोहरत हो जाएगी तो जिसके पास है भी भाई साहब दो दिन में दे देंगे, नहीं तो लिख ही लेगा अकाउंट में हजरत अली के, दुकान कैसे चलेगी? सलावत पर मोहम्मद अल्लाह।
गए वो, दुकान टूट गई। अब रजिस्टर खोला इन्होंने, कहाँ कहाँ बकाया है, तो जो जिंदा है अगर तो उसके भैया कुछ दे दिया, दे दिया, अगर देखा मर गया तो उसको काट देता तक भाई, इनसे कोई मुतालिबा नहीं है। एक दिन बेचारा बैठा था ऐसे ही, सामने से कोई गुजरा, बात मशहूर थी, कहले क्या भाई बड़ा उधार दिया तुमने अली के नाम पर, अरे अली ने तो पैसा लौटाया तुम्हारा कि खाली रजिस्टर बना रहे थे, अभी तक तो नहीं करा था, आज लग गई उसको। तो बड़ी बेइज्जती की बात है, बड़ी तौहीन की बात है। ऐसे लेटा लेटा आंख लग गई अली को, नहीं ख्वाब में क्या देखता, रसूलुल्लाह। सैयद का मर्तबा क्या, नस्ल पैगंबर है ना, औलाद रसूल, रसूलुल्लाह को देखा। पैगंबर आया तो कहते अली इसका हक क्यों नहीं देते भाई, इतना उधार हो गया तुम्हारे ऊपर, इनका अदा क्यों नहीं करते, कल साहब ले आया, चलो भाई अपना पैसा लो और अब तुम आइंदा ऐसे ही करते रहना, अब गरीब नहीं होगे तुम, ये लो। वो साहब थैली पकड़ा दी, अब ये ख्वाब सच्चा है झूठा कुछ भी कह सकते हैं, आँख खोली तो वाकई हाथ में थैली, अब तो शक की गुंजाइश नहीं है ना, वाकई हाथ में थैली। जल्दी से बीवी को बुला ले, खोलो देखो कितना, मान लो 1000 अशरफियाँ निकली, रजिस्टर निकालो, तो मान लो जितना मौला के नाम उधारी बनती थी वो पूरी यहाँ है। और बास कहते हैं फिर जो रजिस्टर खोला तो एक तहरीर वहां नजर, 1400 बरस के बाद उसने अगर आपको या सैयद को उधार दिया तो किसके नाम पर दिया, किसके नाम पर दिया, रसूलुल्लाह के कराबत की बुनियाद पर ने। आज हम अगर सैयद हैं 1000 साल के बाद, 1200 बरस के बाद सलावत पर मोहम्मद, बलोचिस्तान की तरफ के, उनका साहब हमारे यहाँ आज भी हाल ये है कि हम जा रहे थे कहीं मजलिस पढ़ने, इत्तेफाक से स्टेशन पे कोई मिल गया, क्या शाह साहब, वो लोग शाह बोलते हैं सादात को, क्या शाह साहब जो है वो रिजर्वेशन का नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं है, कहे ठीक है आइए, कहे भी भीड़ बहुत है ना, आइए जगह तो दिलवाना मेरा कमा पाइए, तो ऐसे ही थे कुर्ते पजामे में, कहने लगे साहब उनको लेके पहुंच गए और 3-4 बार से आइए आइए शाह साहब तशरीफ लाइए, आइए शाह साहब तशरीफ लाइए, कहने लगे साहब जितने आमने सामने वाले थे ना सब उठ के किनारे पे आइए बैठिए, 1400 बरस के बाद सीट खाली कर दिया उसने, किस बुनियाद के ऊपर, रसूलुल्लाह की कराबत की बुनियाद पर ना। उस जमाने के मुसलमानों से आज के मुसलमान अच्छे हैं कि नहीं, जो पैगंबर के नवासे वो कत्ल करते हैं और आज यहां औलादे पैगंबर के लिए सीट खाली कर रहे हैं। 1400 बरस के बाद हाल ये है कि आप अगर सैयद है और पहुंच जाए और आदमी वाकई आशिक रसूल है तो पैगंबर के नाम पर आपकी इज्जत करेगा, आपकी मदद। इमाम जरूर आबिदीन अलैहिस्सलाम का कितना फासला था रसूलुल्लाह से, हुसैन फातिमा रसूलुल्लाह, बस ना। अब यहाँ सो मैं कह रहा हूँ शीयों की बात नहीं, मैंने कहा दो नकल करूँ, पहले बुजुर्गान अहले सुन्नत, बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा की बात ना, फिर अपनों की, ये बुजुर्गान अहले सुन्नत है सलावत इनका नकल कर रहा हूँ। नाम सुना होगा आपने इमाम ज़हबी, नाम इनका सुना होगा आपने, ये कहते हैं मा अकला अली इब्न अल हुसैन बिकराबतिही मिन रसूलिल्लाह दिरहमन कत, इमाम सज्जाद ने रसूलुल्लाह की कराबत की बेस पर एक दिरहम का भी फायदा अपनी जिंदगी में नहीं उठाया, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं या नवासे का बेटा हूं, बल्कि खुद पब्लिक की मदद इस तरह से करते थे हमारे और आपके इमाम की रिवायत की थी, कान नासुन मिन अहले मदीना, मदीने के बहुत से अफराद ऐसे थे कि यईशून, जिनकी जिंदगी ठाट से गुजर रही थी, ला यदरून मिन अयन कान माशहुम, और उनको ये पता नहीं था कि उनको ये माश आ कहां से रहा, ये रोजी उनको कहां से मिल रही है। फलम्मा माता अली इब्न अल हुसैन, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, फकदू मा कानू युतून बिही बिललैल, और जब ये सिलसिला रुका है रात की तारीकी में खामोशी से जो इनको मिलता था, तब समझ में आया कि हमारी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, सलावत मोहम्मद। अल्लाह
crore salawat on Muhammad. आज आप मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, सड़क पर भीड़ होती है, क्या करते हैं? और है ना, उस जमाने में भी तो भीड़ होती थी। कोई पैदल से चल रहा है, कोई खच्चर से चल रहा है, कोई गधे से चल रहा है, कोई घोड़े से चल रहा है। स्पीड अलग अलग है, पैदल वाले की स्पीड अलग है, खच्चर की स्पीड अलग है, घोड़े की स्पीड अलग है। तो अब अगर चाहे चार पैदल वाले या खच्चर वाले चल रहे हैं गधे वाले और आ गया घोड़े वाला, तो घोड़े में तो हॉर्न बजता नहीं था, तो क्या करते थे? रास्ता चाहिए उनको। तो कहते उस जमाने में रवाज ये थी कि जब कोई तेज रफ्तार वाला चलता था और सामने उसके जो जाम लगा है या हल्की रफ्तार वाला है, तो हॉर्न की जगह नस बोला अतरे अतरे कि भैया हाँ रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। ये उस वक्त का रवाज था। उसके बाद रावी कहता नगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का आलम ये था कि जब भी सड़क से गुजरते थे, चाहे जितनी भीड़ या जाम लगा हो, कभी उनकी जबान पर लफ्ज अत्तरियक नहीं आया। फरमाया करते थे सड़क सबके लिए है, जगह होगी तो चाहूंगा, किसी को हटाने का हक मुझको नहीं है। सलावत मोहम्मद वा ये है इस्लाम का अंदाज और तरीका। मोहम्मद वाले वाले वाह बोले सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बिरादरान अहले सुन्नत के तरफ के उनके उलमा ने फरमाया कि क्या है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अब दो तीन बातें जल्दी जल्दी सुना देता हूँ कि शियों का क्या कहना है इमाम के बारे में और मजलिस तमाम। सलावत मोहम्मद वा कहते हैं कि मरहूम अरबली कशफुल उम्मा किताब का नाम है, अजीम शख्सियत है। उसमें उन्होंने नकल फरमाया है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत के सिलसिले में, फरमाते कान यौमन खारिजन फलाकियहु रजुलुन, एक दिन मौला घर से निकले, इत्तेफाक से जो है वो एक आदमी मिल गया, फसब उसने इमाम को गालियां देना शुरू की, फसारत इलैहिल अबीद वल मवाली, तो नौकर चाकर गुलाम दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़ने का मतलब समझते हैं, فقال لهم علي مهلا كف اي خبردار هذه جتي جي اپنا سب لوگ ثم اقبل على ذلك الرجل। उसके बाद इमाम उस आदमी के पास आए जो गालियां बक रहा था। जुमला सुनिए इमाम का, فقال له ما ستر عنك من امرنا اكثر, तुम शायद जितना जानते हो हमारे बारे में उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते हो। अलक हाजतुन युगनी का बिहा, अगर कोई जरूरत हो तो बताओ मुझसे, मैं तुम्हारी वो हाजत पूरी कर दूंगा। फस्तहयर रजुल, जब इस अंदाज से इमाम ने कहा कि हो सकता है हमारे बारे में तुमको सही मालूमात ना फराहम हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मैं तुम्हारी सॉल्व कर लेता हूँ। फस्तहयर रजुल, उस आदमी को शर्मिंदगी हुई, फालका अलैहि इलैहि अलीयुन खमीसहु, इमाम के दोष मुबारक कमीज नहीं खमीस कैस, इमाम के दोष मुबारक पर जो आबा थी वो आबा उसको उठा के दे दी और फरमाया 1000 दिरहम इस इंसान को अता कर दिया जाए। जब मिल गया तो कहता है अशहदु अन्नका मिन औलाद रसूल, मैं गवाही देता हूँ वाकई औलाद रसूल होती है तो ऐसी ही होती है। सलावत मोहम्मद वा हिशाम इब्ने इस्माइल, क्या नाम था? जितना इससे हो सका इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को असीयत पहुंचाई अपने दौर हुकूमत में, जब वो मदीने का गवर्नर था। कुछ गड़बड़ हो गई इससे, शाम की हुकूमत ने इसको माजूल कर दिया, और माजूल ही नहीं किया, माजूल करने के बाद जो दूसरा हाकिम भेजा उसको यह ऑर्डर दिया कि इसको पब्लिक के सामने खड़ा कर दो, जिसको जिसको इसने सताया है पब्लिक को ऐलान कर दो, आके अपना इससे बदला ले सकती है। वो हिशाम इब्ने इस्माइल कहता है कि मुझको किसी से डर नहीं था सिवाय इमाम सज्जाद के, और आज इमाम सज्जाद का अमल सुनिए सलावत मोहम्मद वा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फकाल मा खाफ
हसन अब्दुल इस्लाम से वक़द वक़फा عند دار مروان مروان के घर के पास खड़ा हो गया जाकर के व कान अली कद تقدم الى خاصته और इत्तेफाक से इमाम अपने खवास के साथ गुजर रहे थे वो डर गया देख के कि ये इसीलिए आ रहे हैं आज अपना सारा बदला ले लेंगे इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा अल्लाह यारद लहु अहदुम मिनकुम बिकलिमा ठीक है चल तो रहे वो सामने आए तो होता ना बेटा समझ में आया इतना ही कहीं गुजर जाएगा आदमी होता नहीं होता अगर कहीं इस तरह का बात जाए ना तक के दे बेटा क्या हाल है इतना ही कहीं गुजर जाएगा इमाम ने अपने खवास से ये फरमाया गाली फटकार तो दूर की बात एक लफ्ज कोई इस शाम को नहीं कहेगा सलवात मोहम्मद एक लफ्ज भी कोई हिशाम को कहेगा नहीं वो कह फलम मा मर रहा और जब इमाम चले गए गुजर गए नादाहु हिशाम तब हिशाम ने चिल्ला के कहा अल्लाह आलम हैज़ यजअलु रिसालता खुदा खूब जानता है कि अपनी रिसालत को कहां रखे सलावत और मोहम्मद एक तो वाकयात और सुनिए जो शिया ने नकल किया फिर मजलिस को तमाम करता हूं इमाम के यहां कुछ मेहमान आए थे खाना गरम रखने के लिए तंदूर में रखा हुआ था नौकर इमाम का वो तंदूर से लेके चला कुछ जल्दी में था ये क्या था सब लग चुकी थी जो भी हुआ तेजी के साथ चला अच्छा जाहिर है तंदूर से जो पतीला निकलेगा वो कितना गर्म होगा खौलता होगा वो बेचारा लेके चला वो कहना बोने छोटा बच्चा था इमाम का छोटा बच्चा था कोई वो उसके सामने आ गया इत्तेफाक से और जब सामने आया तो वो भी बेचारा हड़बड़ा गया और पूरा पतीला उलट गया बच्चे के सर पर खौलता हुआ रिवायत के थी फमात वहीं मर गया फौरन इधर खौलता हुआ सारा जो भी था वो इमाम के बच्चे पे गिरा मर गया इंसाफ से बताइए हर आदमी एक एक आदमी से सवाल है मत कहिए कुछ मत एफआईआर कीजिए कुछ तो बोलेंगे आप हल्के से हल्का लफ्ज अगर बोल सकते चाचा तो क्या बोलेंगे हम आप देख के चलो अड्डे हो लड़के को नहीं दिखाई दिया तुमको कम से कम इतना तो कहेंगे ना जानते इमाम ने क्या फरमाया जाने कुर्बान हो जाए एक जुमला बहुत कहता हूं मैं अपनी मजलिसों में कि हम अपने आप को शिया कहते तो हैं लेकिन हमको पता नहीं कि जिससे हम अपने आप को वाबस्ता किए हुए हैं वो लोग कितने बड़े थे और हमसे क्या चाहते थे मर गया इमाम अलैहिस्सलाम आए फरमाया अंत हुर्रुन तुम आजाद हो आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो जाओ तुम इसलिए कि तुम्हारी इसमें जानबूझ के कोई हरकत नहीं थी सलावत पर मोहम्मद ऐसे ये कनीज का वाकया हाथ धुला रही थी क्या हुआ फिर गया लौटा बेचारी डर गई जैसे ही डरी तो कहने लगी कि वाल काज मैंने लगाए लोगों को माफ कर देने वाले इमाम ने कोई बात नहीं गुस्से को पी जाने वाले कोई बात नहीं बोला आफिर आने नास कि चलो कोई बात नहीं अल्लाह नेकुकारों को पसंद करता जब अंधे और रुंधे बचे अल्लाह खुदा की राह में तू आजाद है ये है हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इनका एक पूरा रिसाला है जिसका नाम है रिसाले हुकूक रिसाले हुकूक में क्या है जो लोग देर में आए फिर उसको वजाहत कर दें रिसाले हुकूक में सबके हुकूक इमाम ने बयान किए हैं और इसलिए पहले मैंने इमाम के सिलसिले में अर्ज कर दिया कि कुरान कहता है लिमा तकूलू मा ला तफअलून क्यों वो कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते हो देख लो तुम्हारे इमाम का हाल ये है तुम्हारे इमाम की जिंदगी ये है अब वो इमाम कह रहा है कि अल्लाह का हक क्या है रसूल का हक क्या है नफ्स का हक क्या है आज़ा व जवारे का हक क्या है वो इंशाल्लाह कल से गुफ्तगू होगी और अगर इसको वाकयान हमने सही ढंग से बयान कर दिया और सही ढंग से सीख लिया तो पता है आपके लिए इमाम क्या फरमाते हैं मन तअल्लमा लिल्लाह व अल्लमा लिल्लाह
दुरिया फी मलकूत समावात अजीमा। अगर कोई शख्स अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे और अल्लाह के लिए दूसरों को इल्म सिखाए, दुरिया फी मलकूत समावात अजीमा, तो आसमान के फरिश्तों में भी उसको बड़ा आदमी कर दाना जाता है। तो अब आइए, कल से खिताबत नहीं है, मजलिस नहीं है, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस हैं जिसको मैं जोर जोर पढ़ूंगा, बयान नहीं करूंगा आपको। नहीं होता, नहीं कभी कभी दास्तान होते, चार छह लड़के बैठ जाते हैं कि यार जरा जोर जोर पढ़ो तो तुम भी सुनो हम भी सुने, तो उसके पढ़ने का मतलब सुनाना नहीं होता, खुद भी सुनना होता। वही हाल अब आज के बाद से चार मजलिस का होगा, इसलिए कुरान कहता क्यों वो कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। तो साहिब ने कितने ही मोमिन बन जाइए आप, कितने ही मुत्तकी बन जाइए आप वसी हसन साहब, फिर भी बहरहाल कुरान की हुक्म आप पर लागू होता है, क्यों वो कहते हो जिस पर अमल नहीं करते। और अगर अमल नहीं करते हो ऐसी बातें कहोगे तो पब्लिक के ऊपर असरअंदाज भी नहीं होगी, तो क्या करें? कहा हम अपने पास से कुछ बयान ही ना करें, दो तीन साल से यही सिलसिला शुरू कर, अपनी जेब से कुछ मत करो, ले आओ ये हदीस है मौला की, मैं जोर जोर पढ़ता हूं, आप भी सुनिए मैं भी सुनूं, मैं दुआ करूं आपके लिए, आप दुआ कीजिए हमारे लिए कि अल्लाह हम सबको इमाम की इन फरमाइशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल से गुफ्तगू होगी। आगाज यहां से इमाम ने फरमाया, आज मैं थोड़ा सा इशारा करता चलूं कि सबसे पहले किसका हक इमाम ने हमारे ऊपर बयान किया है, फरमाते हुए अम्मा हक्कुल्लाहिल अकबर, तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा हक तुम्हारे ऊपर किसका है, तुम्हारे अल्लाह का। अल्लाह का हक क्या है? अंतअबुदहु वला तुशरिक बिही शैया, कि इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरिक बिही शैया, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करार मत दो। उसके बाद इमाम कहते हैं फ़ाइदा फ़अल तदालिका बे इख़लास, अगर तुम ये दो काम कर ले गए, अल्लाह की इबादत बगैर शिर्क के, शर्त क्या है? बे इख़लास, इस पर कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, खुलूस के साथ, तो अल्लाह के ऊपर कोई चीज कोई वाजिब कर सकता है? है नमाज किसने वाजिब की? अल्लाह ने। रोजा किसने वाजिब किया? अल्लाह ने। है ना, हम कोई चीज अल्लाह पर वाजिब कर सकते हैं? लेकिन खुदा अगर खुद अपने ऊपर कोई चीज वाजिब कर ले तो किसको क्या है? क्या ऐसा हुआ? तो इसमें इमाम यही फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की इबादत करो बगैर शिर्क के, इखलास के साथ, तो अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर लेगा इम्र दुनिया वल आखरा, कि वो अल्लाह तुम्हारे लिए दुनिया में भी काफी हो जाए आखरत में भी काफी हो जाए। सलावत मोहम्मद वा हुसैन ने दिया कि जो अल्लाह का हो जाए, कहते हैं कि मन कान अल्लाह कान अल्लाह हो ला, जो अल्लाह का हो जाए खुदा उसका हो जाता है। यजीद के पास क्या नहीं था, इंसाफ से बताइए क्या नहीं था? आज की जबान में कहा जाए सुपर पावर था कि नहीं था? आज का अमेरिका था कि नहीं था? कमबख्त कब्र कहां है यजीद की? नहीं मालूम ना। हुसैन अलैहिस्सलाम के पास क्या था? आखिरी बात ये सुन लीजिए, आखिरी बात, हम लोग तो बहुत लखनऊ वगैरह में रहे हैं अक्सर, 77 और 80s के दरमियान बड़े फसादात होते थे, कर्फ्यू लगता था तीन तीन चार चार दिन का, तो किसी की गुर्बत की आखिरी हद यह है कि साहब जो है वो चार दिन से कर्फ्यू लगा है, पैसे सब खत्म हो गए, बच्चे को दूध लाने के लिए पैसे नहीं 10 रुपए दे दिए भाई साहब, ये किसी की गरीबी की आखिरी हद है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी को अपने बच्चे को पिलाने के लिए पानी नहीं है, सुना है कहीं? दुनिया में अकेला सिर्फ एक मौला मेरा है, एक हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिनका हाल यह है कि ऐसी पाबंदी है कि 6 महीने के बच्चे को पानी तक नहीं पिला सकते, और हालत यह है उस बच्चे की, रिवायत कहती है ले करके आए हैं उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, लेके आई हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। देखा है आपने, पानी से जब मछली निकलती है
तो प्यास की वजह से कैसे बार बार मुंह खोलती और बंद करती है। रिवायत में यही जुमला है जनाबे उम्मे कुलसूम का कि लेके आई है असगर को हाथ में, फरमाती भैया इसको लेके जाओ मक्तल में, शायद किसी को देख के तरस आ जाए। अमा तरा कैफ़ यतलज़्ज़ा, हे भैया क्या नहीं देख रहे हो कि कैसे ये बच्चा प्यास की शिद्दत से बार बार मुंह खोलता और बंद करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को ले लिया, ले करके मैदान में आया। अजब जुमला है हजरत सैयद शुहदा का, फरमाते लम तरहमूनी फरहमु हाज़ा तफ़ल, अगर मुझ पर रहम नहीं कर सकते इस बच्चे पर रहम कर दो, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं मिला, हजरत ने फरमाया अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पी लूंगा, आओ इस बच्चे को जमीन पर लिटाए देता हूँ, अपने हाथ से तुम पानी पिला दो। और जब वो भी जवाब नहीं मिला, हजरत ने अपने बच्चे को आगोश में ले लिया। अगर तुम समझते हो, अल्लाहु अकबर, बेटा इनके ऊपर जरा अपनी हुज्जत तमाम कर दो, तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो। सूखी हुई जबान, पपड़ाए हुए होठों पर असगर ने फिराना शुरू की। वो मंजर था कि फौजों ने मुंह फेर फेर के रोना शुरू किया। हुरमुला कहाँ है, डर गया मेरे साथ, कहाँ है हुरमुला, इख्ता कलाम हुसैन, हुसैन की बात कता कर दे। तीन भाल का तीर, छह महीने बच्चे को जाने दीजिए, आंख बंद कीजिए, जरा अपने गले पर तवज्जो करें। कितनी चौड़ान है हमारे आपके गले की, छह महीने के बच्चे के गले की चौड़ान क्या होगी। तीन भाल का तीर जब बच्चे को लगेगा, गले में छेद होगा, गले में सुराख होगा। हम लोग पढ़ देते हैं गला छिद गया, हम लोग पढ़ देते हैं गले में सुराख हो गया, मगर रिवायत का जुमला फ़ज़ो बेहा मिनल वरीद इलल वरीद, जब तीन भाल का तीर आया असगर इस कान से इस कान तक ज़बा हो गए। हुसैन ने चुल्लू लगा दिया, बमुश्किल तमाम एक चुल्लू खून निकला, रुखसार मुबारक पर मल लिया। बाप को बेटे ने सुरखरू कर दिया। अकबर की लाश लेके हुसैन आए, कोई तकल्लुफ हुआ, सहमत हुई, लेके चलते थे, रख देते थे, फिर चलते थे, रख देते थे, यहाँ तक कि आखिर में पुकारा बनी हाशिम के बच्चों आओ अपने भाई की लाश ले जाओ, है ना। कासिम की लाश आए, समेटा लेके चले, कोई तकल्लुफ हुआ, और मोहम्मद का जनाजा लेके गए। अब्बास ने मना किया था, अलम उनका सीधे लेके आए, कोई तकल्लुफ हुआ, लेकिन पता नहीं छः महीने के फूल जैसे जनाजे में क्या खास बात है कि मौला जनाजे को लेकर के खैमे की तरफ बढ़ते हैं, हिम्मत जवाब देती है, वापस हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, यहाँ तक कि सात मरतबा आगे बढ़े, सात मरतबा पीछे हटे, और एक मरतबा जी कड़ा करके आवाज़ दी, रुबाब अपने बच्चे को ले जाओ। कबल इसके कि रुबाब आती, तीन चार बरस की बच्ची आ गई, बाबा भैया को पानी पिला लाए। हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अल्लाहु अकबर, इतने में जो रुबाब आई, क्या देखा, एक जुगला निकला जैसे जबान गुम हो गई हो, आगे कोई फिक्र न कह सकी। बुनैया अब मिसल का युनहर, ए बेटा क्या तुझे से बच्चों पर भी रहम नहीं किया जा। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजदूम करबला के। हम पढ़ के गुजर तो जाते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे करबला में सबसे बड़ी मुसीबत हुसैन पर कौन सी पड़ी है, अकबर की शहादत, कासिम की शहादत, और मोहम्मद की शहादत, अब्बास की शहादत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा गम है। अब्बास का मरना बड़ा गम है, कासिम का मरना बड़ा गम है, अकबर का मरना बड़ा गम है, लेकिन एक बात अकलन आप सोचिए, इंसान कहीं परदेश में होता है, उस पर कोई मुसीबत आती है, बला आती है, झेलता है, झेलता है, बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन जब बात बहुत आगे हो जाती है तब बिलबिला के अपनों को याद करता है ना। अब्बास मर गए,
हुसैन ने आपको याद नहीं किया। कासिम चले गए, हुसैन ने आपको याद नहीं किया। अकबर के जनाजे पर तड़पे, हुसैन ने आपको याद नहीं किया। लेकिन जब असगर का गला छिदा है तब हुसैन ने तड़प के आपको पुकारा है। फरमाते शियाती महिमा शरीफ तुम माद बिल फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। और समय तुम बेगरीबिन और शहीद फंतबूनी, जब किसी मुसाफिर की खबर सुनना किसी शहीद की खबर सुनना मेरे ऊपर नुदबा कर लेना। उसके बाद अलग अजब जुमला है, फरमाते लैतकुम फी यौमे आशूरा जमीअन तंदुरूनी, काश तुम लोग आशूर के दिन होते और देखते कैफास तस्कील तफली फाबो अयर हमूनी, किस तरह मैं अपने बच्चे के लिए पानी तलब कर रहा था और इन मलूलों ने रहम करने से इनकार कर। हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा, मजीद अज़ा अहले बैत की तौफीक करामत फरमा। जब तक जिंदा है दर अहले बैत से वाबस्ता रख, मरने के बाद जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। खुदा हम सबको इस दुनिया में कब्र हुसैन की ज़ियारत, आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब फरमा। हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हजरत के ज़ुहूर में तअज्जील फरमा। एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके अपने बुज़ुर्गों को और उन मोमिनीन को मुहिब्बान अली को जिनको कोई ईसा ले सवाब करने वाला नहीं है, ईसा ले सवाब करने। बिस्मिल्लाह।